हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, हम अभी आए हैं उस खास जगह पे। तो वो खास कौन सा जगह है, तो आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, सुबह का अभी 11 बज रहा है और हमारा ब्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड, अभी हम आए हैं पहाड़ पे आए हैं आपको कुछ यहाँ का व्यू दिखाने के लिए कि पहाड़ पे कैसा है। और ये देखिए, हमारे पीछे झरना है, तो झरना सामने से बहता हुआ आ रहा है और इधर नीचे की ओर जा रहा है। तो फ्रेंड, आप हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए और हमारे चैनल पे जितने भी भाई नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को करते हैं स्टार्ट पहाड़ का इस खूबसूरत हंसी वादियों से। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितना सुंदर हरियाली और ये हरे भरे पेड़, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और बहुत ही अच्छा है। और हमारे पीछे ये झरना जो पहाड़ के नज़दीक से नीचे से बहता हुआ ये इधर से जा रहा है, तो काफ़ी आकर्षक, काफ़ी सुंदर है। फ्रेंड, चलिए कुछ चलते हैं थोड़ा आगे और आगे बढ़ करके हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि रास्ता तो काफ़ी कठिन है जाना, आप देख सकते हैं। फिर भी हम जहाँ तक हो सकता है हम आपको चल करके दिखाते हैं। तो हमारे वीडियो में बने रहें और आप देखिए, तो काफ़ी सुंदर ये देखिए, झाल झक्कड़ पूरा लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ अपवित्र चीज़ का भी दर्शन ना हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे जंगल में बहुत सारे चीज़ होते हैं, सांप, पिच्छा, ऐसा कुछ, तो वो सब सामना ना हो। तो आप देख सकते हैं काफ़ी रास्ता जो है मुश्किल भरा, हमको उधर टपना होगा। उधर टप करके हम आगे चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। हम तो अभी फ़िलहाल इस रास्ते से आए हैं और इधर से चलते हैं। तो रास्ता काफ़ी कठिन है और जगह जगह स्लिप करने वाला पत्थर भी है और बाकी ठीक है। आप आ सकते हैं, यहाँ पे घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। ये रहा सुंदर सुंदर पानी, एकदम साफ सुथरा कंचन, कहीं भी एक गंदा नहीं है फ्रेंड, वाकई अच्छा जगह है ये। और हम तो सुबह, हमको लगता है यहाँ पे कुछ लोग नहाते होंगे। तो चलिए कुछ ऊपर चल के आपको दिखाते हैं, कुछ दिखाने लायक हो तो। काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का, पहाड़ ही पहाड़ ये देख लीजिए। और चलते हैं और आगे, लगता है कुछ जंगल का भी कटाई हुआ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ सुथरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे जंगल को साफ कर दिया गया है। बाप रे, हम तो कुछ पल के लिए डर गए हैं वो तितली से। ये हम अभी इस रास्ते से यहाँ से नीचे आए हैं, काफ़ी दिक्कत हुआ आने में, पर कोई नहीं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए आसमान कितना नीला है, काफ़ी खूबसूरत हो रखा है। आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। और ये हम अभी झरना के कुछ नीचे आए हुए हैं नज़दीक में, और हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। पेड़ के पास आकर रुके हैं, यहाँ पे देख रहे हैं पेड़ के पास हैं, और हमारे नीचे से बहता हुआ झरना पानी। और ये पहाड़ वाकई खूबसूरत है, क्योंकि पहाड़ के बारे में वही बता सकते हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जो जिनको यहाँ पे उनकी जानकारी वही बता सकते हैं। और इसमें रिव्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है और ना हम उतना ज़्यादा अंदर जाएंगे।
तो बाकी हम यहीं से दिखाएंगे आपको। और ये देख सकते हैं, ये हमारे पीछे ये पूरा लंबा लंबा पहाड़, बादल भी बहुत अच्छा वाला लगा हुआ है, और ये पहाड़ की ऊंचाई। और अभी हम जहाँ पे हैं उस जगह का ये कुछ सीन काफ़ी सुंदर है और अच्छा है। तो फ्रेंड अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अकेले हैं और काफ़ी देर हो चुका है। और यहाँ पे देख रहे हैं आपको नॉइज़ भी आ रही होगी पानी की, तो हमारे पीछे ये देख सकते हैं यहाँ पे पानी गिर रहा है, इसका आवाज़ भी आपको आ रहा हो। तो हम यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं। तो फ्रेंड हम पहाड़ के नीचे आ चुके हैं और अब बढ़ते हैं हम आगे, और देखिए हमको किस रास्ते से जाना होगा। हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं पहले वो रास्ता को। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमको अभी इसी रास्ते से पानी हो करके वापस निकलना है। तो आप वीडियो में बने रहें और हम निकलते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा और आगे बचा हुआ है, तो हम चलते हैं और आप वीडियो में बने रहें और देखिए हम कैसे कैसे निकलते हैं। तो ये रहा, और ये आराम से निकलना होगा, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा फिसलन वाला जगह है, स्लिप किया और सीधे नीचे। तो चलिए और चलते हैं, ये तो पूरा जंगल से भरा हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इधर कोई भी एक भी आदमी नहीं है, अकेले हम हैं। अब पूरा ये रास्ता जंगल से भरा हुआ है, बस झरना के बीचों बीच हम निकल रहे हैं। ये देखिए यहाँ तक खाए पर है। चलिए और चलते हैं अब बाहर, सेकंड रास्ते से जा रहे हैं। जिस रास्ते से हम आए उस रास्ते में हम आपको वीडियो नहीं दिखी, काफ़ी सुंदर जगह हमको मिलेगा तो देखें, तो हमको लगा कि आपको दिखाना चाहिए। तो हम आ गए, चल चुके हैं। ये देख लीजिए हमारे पीछे कैसा पथरीला रास्ता, सांस भी फूलने लगी। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस रास्ते को क्रॉस करने के लिए लोगों ने किस तरह से यहाँ पे पत्थर का रास्ता बनाया है। तो इसी रास्ते को हमको क्रॉस करके उस पर चलना है। तो चलिए, तो हम रास्ता क्रॉस कर लिए हैं और आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपको आगे। ये रहा वो रास्ता जिससे हम अभी बाहर निकलेंगे, और हमारे पीछे जो हम रास्ता छोड़ आए हैं, पीछे रास्ता छोड़ आए हैं वो ये है। और ये देख लीजिए पूरा पहाड़, इस टाइप का कुछ सीन है यहाँ का। पहले फ्रेंड केवल यहाँ पे पहाड़ था, जंगल था, लेकिन अब यहाँ पे भी कुछ लोग ज़मीन खरीद करके मकान बनाने लगे हैं। तो हमारे पीछे देख सकते हैं ये यहाँ पे एक बाउंड्री हो चुका है, और यहाँ भी हो रहा है। और बाकी इधर देख सकते हैं आप काफ़ी घर बन चुका है, पानी का टंकी भी लग चुका है, तो काफ़ी डेवलप हो गया है। अब वो वाला बात नहीं है कि पहाड़ है, पहाड़ पे भी घर है। तो फ्रेंड यहाँ आने के लिए एकमात्र रास्ता आपका पैदल है। अगर आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, नहीं तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर पहले जो मेन रोड है वहीं पे आपको, जो भी आप भाड़े के गाड़ी से आते हैं तो वहीं तक आपको छोड़ दिया जाएगा। तो फ्रेंड जंगली फूलों की अगर बात कही जाए तो वो वाकई खूबसूरत है, और वैसे उसका कोई यूज है नहीं, बस आप देख सकते हैं। और कुछ फूल तो ऐसा है जो काफ़ी ख़तरनाक है, मतलब अगर आपके त्वचा में, शरीर में सड़ जाए तो कुछ भी रिएक्शन कर सकता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं उस समय धूप काफ़ी कम था और बादल लगा हुआ था और मौसम कुछ ठंडा था, लेकिन इस समय बहुत भयानक वाली धूप है और पूरा चेहरे पर पसीना भी आ चुका होगा आपको, दिख रहा है। तो हम इस रास्ते से अभी रोड पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मेन रोड है। और इधर वो सदर अस्पताल स्टेडियम,
और बस स्टैंड चल जाती है, जो कि वहाँ का एक ब्लॉग हम पहले से बना के रखे हैं, आप चाहे तो उस चैनल पे जा करके चेक कर सकते हैं। मेरे पीछे सामने जो दिख रहा है पार्क, वो गंगा विहार पार्क है। तो यहाँ का भी वीडियो हम बना चुके हैं, अगर आपको देखना है तो चैनल पेज पे जा करके आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। पीछे से हम आपको दिखाते हैं, तो फ्रेंड हम पहुँच चुके हैं अपने मंजिल पे, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये रास्ता है। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे जितने भी भाई जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।